कृतिका को मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ, उस वजह से वो बहुत ज्यादा ट्रॉल हुए। तो ऐसा नहीं होता यार, दोनों बीवियों को साथ लेके चलना। अगर मैं 7 दिन में अपना घर छोड़ के आगे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं 7 दिन पहले मिली हूँ, जरूरी नहीं है सब लोग ऐसे हों। कृतिका से मैं ये कहती हूँ कि चलो उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती करी। मेरे हिसाब से मैं उनसे बात करने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला, दिस इज़ मी अंबिका सिंह। पता है आपको बिग बॉस OTT 3 काफ़ी बज में तो है, बट एक शॉकिंग एविक्शन हुआ है जिसे किसी को भी नहीं लगा था कि हाँ पायल घर से बाहर आने वाली है। तो पायल खुद हमारे साथ है, वो खुद बताएंगी उनके लिए कितना शॉकिंग था ये। तो गाइस मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे वोटिंग भी अच्छी आ रही थी, पर क्या कहते हैं कि घर वाला जो बाहर वाला था और घर वाले थे उनकी वजह से आज मैं बाहर हूँ। पर मुझे पब्लिक सपोर्ट बहुत मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल्सो पायल, आपको बाहर, अगर बाहर की बात करूँ, कई लोग प्यार भी कर रहे, कई लोग ट्रोल भी कर रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज सिचुएशन जो आपके साथ हुई है सारी वो आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आई होप आपने कुछ कॉमेंट्स भी ज़रूर रीड किए होंगे, कुछ क्लिप्स भी देखे होंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ट्रॉल तो जो काम अच्छा करता है उसको भी करते हैं, जो बुरा करता है उसे भी करते हैं, तो ट्रॉलिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने। और इसी के साथ ही आपकी फैमिली से, आप 13 साल से बात नहीं किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या कभी ऐसा होता है कि हाँ आप आपकी फैमिली से बात करो कभी लाइफ में? ऑफकोर्स आप हर एक इंसान की लाइफ में डाउनफॉल आता है, तो कभी ऐसा होता है कि हाँ फैमिली से बात हो जाए, कुछ तो बात हो जाए? एक्चुअली क्या है ना, शुरुआती दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं अपनी फैमिली को लेके बहुत रोई हूँ, पर जैसे 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 चीकू मेरी लाइफ में आया, फिर अभी 3 बच्चे और हैं, तो जब खुद पेरेंट्स बन जाते ना तो वो फील आता कि यार हमने बहुत गलत किया। तो मेरे हिसाब से मैं उनसे बात करने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली की ना सोचकर सिर्फ अपने प्यार के लिए उस फैमिली को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे 18 साल तक संभाला, प्यार दिया, सब कुछ दिया। तो वो लोग तो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप अपनी अदर कास्ट में शादी करें और शादी के साथ तो हस्बैंड की दूसरी बीवी, तो वो लोग तो बात नहीं करेंगे। ऑल्सो अगर हम एक बाहर की बात करें तो एक दोस्त होता है जो